सरकार के पास बहुमत नहीं है, यानी सरकार के ऊपर खतरा है। जयराम ठाकुर ने दावा यह किया है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 8 से 9 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में कुल 68 सीटों के विधानसभा में कांग्रेस अल्पमत में आ सकती है और यही वजह है कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। शाम 4 बजे के बाद से किसी भी वक्त ये तस्वीरें साफ हो जाएगी कि राज्यसभा किसने यहां से वो सीट हासिल की, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये सीट बीजेपी के पाले में, और सिर्फ ये सीट नहीं बल्कि सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश में मौजूदा सरकार के ऊपर ही खतरा माना जा रहा है। जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बड़ा दावा किया है इन्होंने कि सरकार अल्पमत में है। सर, क्या आधार आपके दावे का? मैं इस बात को कह रहा हूं, जब आज फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग हुई तो जब हमने डिवीजन मांगा उससे पहले ही वॉइस वोट के आधार पर स्पीकर ने हाउस ही एडजर्न कर दिया। और हाउस एडजर्न करने का मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं। और इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अमिताभ सिन्हा और अरुण सिंह। मैं सबसे पहले अमिताभ सिन्हा आपका रुख करती हूँ। राज्यसभा से पूरा फोकस इस वक्त शिफ्ट इसलिए हो चुका है क्योंकि जयराम ठाकुर ने एक दावा जो किया है उस दावे में सच्चाई इसलिए भी दिख रही है क्योंकि 8 से 9 अगर विधायक टूटते हैं तो मात्र 1 या 2 विधायकों की जरूरत पड़ेगी बीजेपी के पास। जो सीटों की संख्या है वो 25 और 35 बहुमत का आंकड़ा। ऐसे में क्या वाकई वहां पे कुछ सुबुगाहट है सरकार को लेकर? बिल्कुल, अभी बीजेपी नतीजों का इंतजार कर रही है और बीजेपी के सूत्रों ने दो तीन बातें बताई जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला ये कि वहाँ बजट का सत्र चल रहा है। अगर 9-10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, अगर उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ अलग वोट दिया है, इसका मतलब है कि कांग्रेस अब वहाँ अल्पमत में आ गई है। तो बजट सत्र में अगर बजट पेश करने के दौरान अगर बजट गिरता है, अगर बजट पास नहीं करवा पाती है सरकार, इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली वो अल्पमत उनका साबित हो जाएगा कि सदन में बहुमत नहीं है। और तो बीजेपी की राह इसमें ही आसान हो जाएगी कि सरकार ने बजट पास नहीं करवाया, उनके पास बहुमत नहीं है। और दूसरा, बीजेपी के पास जो विकल्प है वो है अविश्वास प्रस्ताव का, क्योंकि अगर 9-10 विधायक यहाँ पर उनके खिलाफ अगर वोट दे रहे हैं तो ये 9-10 विधायक क्या उनके साथ सदन के अंदर आएंगे, विधानसभा के अंदर। तो बीजेपी के विकल्प अभी खुले हुए हैं, वो चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है, वो देख रही है कि कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की कांग्रेस की तरफ से। मैं आपका रुख करती हूं लेकिन मैं अपने दर्शकों को सीधे शिमला लिए चलूंगी। राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मैं अरुण आपका भी रुख करूंगी। राजेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर पार्टी के हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बीजेपी के अगर बड़े और कद्दावर चेहरा पूर्व सीएम अगर ये बयान देते हैं कि दावा करते हैं कि सरकार वहां पे गिर सकती है, अल्पमत में सरकार है, और ये दावा इस आधार पे कि 8 से 9 विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या सच्चाई, क्या आधार, क्या किसी से आपकी बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि जयराम ठाकुर के दावे में कितना दम है, क्योंकि विधानसभा में इससे पहले जो कटौती प्रस्ताव के ऊपर चर्चा का जवाब स्वास्थ्य मंत्री दे रहे थे और उसके दौरान ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई। ध्वनि मत के स्पीकर की तरफ से ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन विपक्ष के सदस्य एकदम सीटों के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने वोटिंग की मांग स्पीकर से की, लेकिन स्पीकर की तरफ से भोजनावकाश के लिए पूरी कार्रवाई भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि सरकार अल्पमत में है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो कुछ विधायक बैठे हुए हैं वो सरकार के साथ नहीं है, कांग्रेस के कुछ विधायक सरकार के साथ नहीं है, और ऐसे में वो वित्त विधेयक विधानसभा में वित्त विधेयक के समर्थन में नहीं उतरेंगे, और अगर वित्त विधेयक गिर जाता है तो फिर सरकार के ऊपर संकट आ जाता है। और इसी दिशा में भाजपा आगे बढ़ने की कोशिश हिमाचल विधानसभा में कर रही थी। अब देखना होगा कि भोजनावकाश के बाद जो कार्रवाई शुरू होगी उसमें अब क्या रुख विपक्ष का रहता है। मतलब आप ये संकेत दे रहे हैं कि 1 से 2 घंटे में तस्वीर और भी साफ हो जानी है। मैं सीधे अपने सहयोगी अरुण सिंह का रुख करूंगी। अरुण, आपने सुन लिया वहां से राजेंद्र जो कह रहे हैं कि वाकई सच्चाई है इसमें, बीजेपी आखिर तक अपने पत्ते नहीं खोलती है, लेकिन अगर जयराम ठाकुर आकर बयान देते हैं कि सरकार अल्पमत में है तो अरुण, ये दिल्ली में क्या सुबुगाहट, क्या इन सारी चीजों को संभालने के लिए हिमाचल प्रदेश को लेकर कोई कवायद की जा रही है क्या जो सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की?
देखिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि उसकी सरकार वहां पर स्थायित्व तो उसके अंदर है, अभी सरकार है वहां पर और बहुमत भी सरकार के पास, उसकी वजह है। राज्यसभा चुनाव में आप एक पार्टी के तौर पर व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं, सदस्य चाहे तो विपक्षी खेमे के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा के अंदर बहुमत परीक्षण होता है तो आपको अपने दल की सीमा के अंदर बंधा होना पड़ता है, व्हिप जारी होता है। अगर वहां पर आप क्रॉस वोटिंग करते हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है, उसके पहले दल बिदल कानून के तहत आपको अच्छी खासी संख्या में विधायक तोड़ने पड़ेंगे, जितने विधायक कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी के संपर्क में नहीं है। कांग्रेस ये तो मान रही कुछ विधायक उनके संपर्क में है, लेकिन ये राज्यसभा चुनाव में उतनी संख्या नहीं होगी, क्योंकि आपने जैसा कि कहा 35 की संख्या है जीतने के लिए, बीजेपी के पास 25 वोट है, 3 निर्दलीय हैं तो 28 हो जाता है, 7 से 8 विधायक चाहिए उनको, और अगर इतने कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो क्या ये विधायक जाकर विधानसभा में भी अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे? ये बड़ा सवाल होगा। अविश्वास प्रस्ताव जरूर ला सकते हैं जयराम ठाकुर, विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव, जो विधानसभा का सत्र वो चल रहा है, लेकिन कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि बहुमत उसके पास है और उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हाँ, इतना जरूर वो मान रहे कि हो सकता है कि एक आध विधायक संपर्क में हो बीजेपी के, और हर्ष महाजन को उतारने का मकसद ही अभिषेक मनु सिंघवी के सामने यही था, ताकि वो कांग्रेस को थोड़ा आईना दिखा सके और कांग्रेस की सरकार जो स्मूथली चल रही थी उसको थोड़ा टर्बुलेंस के अंदर लाया जा सके। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ, मेरे साथ अमिताभ सिन्हा भी बने हुए। अभी तक तो ये चर्चा चल रही थी अमिताभ जी की, अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर खतरा है, वो राज्यसभा नहीं जा पाएंगे क्योंकि क्रॉस वोटिंग होनी है, लेकिन यहाँ तो सरकार के स्तर तक बात होने लगी। हालांकि अरुण जो बातें बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी उस स्तर पर परेशान नहीं है, लेकिन मैं फिर एक बयान पर फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि जिन जिन राज्यों में हमने सरकार गिरते देखा है वहां पर बीजेपी खुलकर कभी कुछ कहती नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, सरकार अल्पमत में है। लेकिन जयराम ठाकुर अगर खुलकर ये बयान दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो अंदर खाने चल क्या रहा है? बिल्कुल, अगर 9-10 विधायकों ने अगर क्रॉस वोटिंग की है, इसका मतलब ये काम पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं ये काम कल शुरू हुआ और आज इसको अंजाम मुकाम पे पहुंचा दिया गया हो। दूसरी बात, बजट का सत्र चल रहा है, अगर बजट सत्र में जो कट मोशन की बात कर रहे थे वहाँ शिमला से हमारे सहयोगी, अगर कट मोशन को वॉइस वोट से पास करवाया गया है तो सरकार फिलहाल तो सरकार राहत की सांस ले सकती है, लेकिन अभी पूरा बजट पारित होना बाकी है, अभी कट मोशन से बचती हुई सरकार आगे निकली है। और तीसरा जो है, अगर 9 से 10 विधायक अगर खुल के वोट कर रहे हैं तो पार्टी इसके पहले कांग्रेस आला कमान उनके खिलाफ कार्रवाई करे, हो सकता है कि सदन के अंदर उनको बहुमत साबित करने का उनके लिए सामने आना पड़े। तो अगर पार्टी अब तो उनके लिए एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, अगर वो खुलकर साथ नहीं देंगे बीजेपी का अगर आने वाले दिनों में, तो कांग्रेस आलाकमान उन पर कार्रवाई करेगा, उनमें 4-5 लोगों के खिलाफ। तो ये मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति वहां की कांग्रेस सरकार के पास हो गई है। बीजेपी वेट एंड वॉच सिचुएशन में है, अभी इंतजार कर रही है नतीजों का, लेकिन उनको लग रहा है सरकार अपने ही बोझ से गिर जाएगी, बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो कहा उससे संकेत यही मिल रहा है कि कुछ राउंड तक बातें हो चुकी है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन एक बयान इस वक्त सुनवाना बहुत जरूरी है। सुखविंदर सिंह सिखू को सुनिए पहले। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। शिमला का रुख एक बार फिर से मैं करूंगी, राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी वहां से बने हुए। राजेंद्र, मेरे सहयोगी अरुण सिंह दिल्ली से बता रहे हैं कि अभी उस तरीके से कांग्रेस पार्टी परेशान नहीं है, कुछ बातों का उन्होंने जिक्र भी किया जो कि संवैधानिक लहजे से है भी, लेकिन हम मौजूदा स्थिति में हम देखते भी हैं कि कई बार नियम बदल भी जाते हैं। तो आप जरा नाम लेके अगर बता सकते हैं कि वो कौन कौन से विधायक है जो कि बागी बन रहे हैं, जिनके तेवर में कुछ तलखियां भी है और वो पाला बदलने की कोशिश में है, एक आध नाम भी आ सकता है क्या पब्लिकली? अब नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जो पूरी गेम टिकी हुई है हिमाचल प्रदेश में, किसकी सरकार होगी किसकी नहीं, वो इसी के ऊपर होगी कि राज्यसभा में कितने कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। क्योंकि एक बात इन्होंने बहुत सही कही कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति अब उन विधायकों के पास है, या ना इधर जा सकते हैं स्पष्ट तौर पर ना उधर जा सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 साल अभी वर्तमान सरकार का टेन्योर है और ऐसे में अब खुलकर, क्योंकि
राज्यसभा में जो पार्टी के पोलिंग एजेंट है उनको वोट दिखाना होता है, तो ऐसे में जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही उन विधायकों के नाम भी उजागर हो जाएंगे जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। और बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूँ कि अब यही देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितना दम है। जो ये बात कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, अभी क्योंकि घंटी बजना शुरू हो गया, भोजनावकाश के बाद की कार्रवाई अब शुरू होने वाली है कुछ देर में, तो ऐसे में अब विपक्ष क्या रुख अंदर अपनाता है, क्या विपक्ष क्रॉस वोटिंग के लिए, क्या विपक्ष वोटिंग के लिए जो आगे आने वाले विधेयक है, वित्त विधेयक है, क्योंकि अभी बड़ी बात यह है कि बजट अभी पास होना है लेकिन भाजपा जल्दी से जल्दी चाह रही है कि जितने जल्दी हो सके। दे दीजिए, मैं जरा उत्तर प्रदेश का एक हवाला देती हूँ, वहां पे क्या कुछ हुआ। वहां समाजवादी पार्टी के विधायक अगर अपना तेवर बदले तो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि जो पार्टी स्तर की एक बैठक थी उस बैठक से उन्होंने किनारा कर लिया और उसके बाद फोन भी उठाना बंद कर दिया, उन्होंने खुलकर बागी तेवर दिखाया। यहाँ पे क्या हो रहा है ये मैं आपसे समझूंगी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दूं क्या हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस नहीं है, सरकार को लेकर सस्पेंस है कि क्या सुक्खू सरकार बच जानी है या सरकार के स्तर पे कोई ऐसी हलचल जिसमें बीजेपी सीधे सीधे दावा कर रही है कि अल्पमत में है सुक्खू सरकार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप दर्शकों को बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जहां की सीटें 68 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पास 40 सीटें हैं, बीजेपी के पास 25 सीटें, और इसमें दावा बीजेपी की तरफ से यह किया जा रहा है कि 8 से 9 विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के टूट सकते हैं, 3 निर्दलीय भी हैं। तो अगर ये आंकड़े आप अगर बीजेपी के एंगल से जोड़कर देखेंगे तो ये आंकड़ा 35 यानी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचता है, लेकिन क्या ये प्लानिंग आज की है या बहुत पहले से इस तरीके की कवायद चल रही थी। राज्यसभा चुनाव के बहाने ही अब जो स्थिति बन गई है वो ये कि सुक्खू सरकार की सेहत पे खतरा है। वहां पे स्थिति ये हो गई है कि अगर 7 से 8 विधायक, 8 से 9 विधायक अगर टूटते हैं, अगर वो पाला बदलते हैं, अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो स्थिति वाकई खराब हो जाने वाली। और मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट गिना भी रहे थे, वो पॉइंट जरा मैं बता लूं, उसके बाद जयराम ठाकुर की बातें भी। उनका कहना था कि अब उनकी स्थिति ये हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई, अगर वो नहीं भी अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं और उसके बाद वो चाहते कि सरकार का हिस्सा रहे तो ये संभव है ही नहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी उन पर एक्शन लेगी। पहले जयराम ठाकुर को सुनिए दावा क्या किया है। जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बड़ा दावा किया है इन्होंने कि सरकार अल्पमत में है। सर क्या आधार आपके दावे का? मैं इस बात को कह रहा हूँ, जब आज फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग हुई तो जब हमने डिवीजन मांगा उससे पहले ही वॉइस वोट के आधार पर स्पीकर ने हाउस ही एडजर्न कर दिया, और हाउस एडजर्न करने का मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं है। मैं सीधे अपने सहयोगी अमिताभ सिन्हा का रुख करती हूँ। अमिताभ जी, ये छोटा प्रदेश है, इस बात का तो हम जिक्र कर रहे हैं, मात्र 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी अगर काउंट करने बैठती है तो एक हिमाचल प्रदेश को भी दिखाती है कि हाँ इस प्रदेश में भी हमारी सरकार है। अगर यहाँ की सरकार पे कुछ इस तरीके का असर होता है वो भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में, किस तरीके से इसका असर होगा? सीधी सी बात है, एक तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि ज्यादा सीटें ज्यादा से ज्यादा, यानी कि मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ सीट, जितनी सीटें हैं पिछली बार जीती उससे कितनी ज़्यादा जीत सकते हैं। एक एक सीट पर बीजेपी इस बार मेहनत कर रही है। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, अगर हिमाचल में अगर 9-10 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और सरकार गिरने के आसार नजर आने लगे हैं तो ऐसे में पूरे देश में क्या संदेश जाएगा कि कांग्रेस अपनी सरकारें भी संभाल नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के मिस गवर्नेंस को लेकर बीजेपी हाईलाइट करेगी। और दूसरा एक और राज्य जो 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 कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत के साथ आया था वो राज्य गिरता देख के ये भी साबित हो जाएगा कि कांग्रेस के लोग अपने राज्यों को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दो विकल्प जो बीजेपी सोच रही है कि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हिमाचल में, ज़्यादा सरकार अपने ही बोझ से गिर जाएगी, उसमें पहला है जो अपने राजेंद्र ने बताया कि पहला कि बजट सच चल रहा है। मैं आपका रुख करूं इससे पहले बड़ी खबर, बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी हर्ष महाजन का बड़ा दावा। हर्ष महाजन का दावा क्या है वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको राज्यसभा के उम्मीदवार हैं हर्ष महाजन उनके दावे के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। हमारे साथ हर्ष महाजन है जिन्होंने सर्दी में तपिश आज तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है।
आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया, इसके मायने हम क्या समझे कि कुछ विधायकों को आपने ग्रूम किया है, तो ये खेल आपने कर दिया है? नहीं, ऐसे है कि कांग्रेस के विधायक हैं और 45 साल से मैं कांग्रेस में था। पिछली विधानसभा के इलेक्शन से पहले मैं बीजेपी में आ गया और वर्किंग प्रेसिडेंट था उस टाइम कांग्रेस का। तो इनके कार्यशाली में जो गड़बड़ चल रही थी उसको देख के मैंने बीजेपी में स्विच ओवर कर लिया था। और ये सच बात है कि जो अभी नए विधायक आए हैं बहुत और पुराने विधायक भी हैं, वो जब मैं कांग्रेस में था तो मेरी उनके साथ उनको ग्रूमिंग करने का मतलब उनको मैंने नीचे से ऊपर तक बिल्ड किया। किन किन को सर? बहुत हैं, सुधीर शर्मा जी थे हमारे, संजय बस्ती थे हमारे साथ, ये सकलानी जी थे नाम से, सोलंकी जी, और ऐसे ऐसे बहुत बहुत विधायक हैं। तो आज सूचना तो ये आ रही है कि कम से कम 9 तो आप लेकर गए, 25 और 9 का आंकड़ा हो गया 34, तो टाई हो गया। टाई होगा तो हम आपसे पुष्टि कर रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, मैं तो 5 बजे बता सकूंगा जब रिजल्ट आएगा, तो तब देखेंगे क्या होता है। एक बार फिर से यही मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा, मुख्यमंत्री का बयान हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि शायद क्रॉस वोटिंग हुई है, ऐसा लग रहा है? हुई होगी तभी बोले हो। और मैं समझता हूँ कि सरकार से भी बहुत विधायक नाराज है, सरकार की कार्यशैली से, और मेरे से बात भी हुई उनकी, तो उन्होंने साफ साफ मेरे को ये कहा कि हम इस सरकार को तो वोट देंगे नहीं। तो अगर ऐसी बात होगी तो फिर हो सकता क्रॉस वोटिंग की बात सच हो। क्रॉस वोटिंग सर हुई तो नहीं, पर करवाई होगी, यही कह रहे हैं सब, आपको कह रहे हैं। नहीं, मैं तो एज अ वोटर सबके पास गया। तो क्रॉस वोटिंग हुई है, करवाई गई है, ये मेरे सहयोगी पूछ रहे थे, लेकिन मैं सीधे एक और सहयोगी का रोक करूंगी। शिमला से मेरे साथ राजेंद्र जुड़े हुए। राजेंद्र, दो बड़े चेहरों का, एक राज्यसभा जो उम्मीदवार है उनका दावा आ गया, जयराम ठाकुर पहले से कह रहे सरकार के ऊपर खतरा है, और जो अंदरखाने की खबर है वो ये भी मिलने लगी है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या इस बात की पुष्टि हो गई है? जी बिल्कुल, पुष्टि तो अभी नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ देर पहले हम जब चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं कांग्रेस से जिन्होंने कांग्रेस क्रॉस वोटिंग की होगी, तो वो नाम अभी भाजपा के लोग, राज्यसभा के प्रत्याशी हर्ष महाजन वो गिनवा रहे थे कि ये लोग हैं, उनमें ये लोग उनमें शामिल हो सकते हैं जिनको, जिनकी मैंने ग्रूमिंग की है राजनीति में, जिनको मैंने धरातल से फर्श से अर्श तक पहुँचाया है, और वो लोग मेरा समर्थन करेंगे, ये दावा भी हर्ष महाजन की तरफ से किया गया ऑन कैमरा। तो ये वो नाम है जो क्रॉस वोटिंग में शामिल हो सकते हैं, हालांकि स्थिति स्पष्ट तौर पर आपका रुख करूं, लेकिन अपने दर्शकों को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं, हिमाचल प्रदेश में सरकार के ऊपर खतरा, सरकार अल्पमत में, ये बीजेपी के दावा है, जयराम ठाकुर दावा कर चुके हैं, इसके अलावा भी दावा किया गया है किसके तरफ से, राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उनके तरफ से भी ये दावा, हिमाचल में सुक्खू सरकार पर खतरा, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी, और ये तैयारी आज की नहीं है, ये तैयारी बीते कुछ दिनों से चल रही थी कि सिर्फ राज्यसभा टिकट पे उम्मीदवारी पे फोकस नहीं था बीजेपी का सीधे सरकार पे फोकस था। मैं अमिताभ सिन्हा का एक बार फिर से रुख करूंगी। अमिताभ जी, इस बीच अगर किसी बीजेपी के बड़े लीडर से, वो भी दिल्ली में, अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, हालांकि मैं फिर दोहराऊंगी बीजेपी अपने पत्ते आखिर आखिर तक खोलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब सब कुछ ऐसे तरीके से हो रहा है जिसमें अब संकेत मिलना शुरू हो गया कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैंने दो बातें पहले कही कि हाँ। बीजेपी इंतजार कर रही है कि नतीजे क्या होते हैं, बीजेपी उसके बाद देखेगी कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा बीजेपी इंतजार कर रही है वो है कि बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में कई वित्त विधेयक पास हो रहे हैं, और वित्त विधेयक को अगर पास करवाने में अगर मौजूदा सरकार नाकाम रहती है, इसका मतलब है कि सरकार अल्पमत में है, और फ्लोर टेस्ट हो जाएगा वहां पर, क्योंकि सरकार के पास कितने वोट हैं।
और मैंने पहले भी बोला था कि बीजेपी के पास एक अविश्वास प्रस्ताव का ऑप्शन विकल्प खुला हुआ है, तो पहला बजट में सरकार स्वतः गिर जाए, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव हो जाए, और कांग्रेस के उन विधायकों के लिए जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उसके लिए मैंने पहले भी बोला था आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि ना वो इधर, क्योंकि अगर वो क्रॉस वोटिंग करके अगर निकल भी जाते हैं तो आलाकमान हो सकता है उन 9 लोगों में से 4-5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दे, कुछ 4-5 लोगों को छोड़ देता कि उनका बहुमत बना रहे, तो उसमें तो राजनीति हो गई, स्पीकर उनका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 9-10 विधायकों का वोटिंग करना ये बता रहा है कि कितनी मुश्किल में है वहाँ की सुखू सरकार। और मैं चाहूँगा कि वहाँ राजेंद्र वहाँ मौजूद है शिमला में, राजेंद्र एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या ये रोहडू की लड़ाई है, ये रोहडू की लड़ाई है क्या? जी बिल्कुल, हॉली लॉज की लड़ाई है, इशारों में पूछा आपने रोहडू, अगर विस्तार से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हॉली लॉज की लड़ाई हम कह सकते हैं। पहले ही दिन से जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो उस वक्त जब कांग्रेस के प्रभारी यहां पर आए थे राजीव शुक्ला और उनके साथ भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे थे, तो उस वक्त जो स्पष्ट तौर पर दो कांग्रेस के बड़े प्रेशर ग्रुप दिख रहे थे, पहला प्रेशर ग्रुप वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के साथ था और दूसरा प्रेशर ग्रुप रानी प्रतिभा सिंह जो कि वर्तमान में सांसद हैं, हॉली लॉज से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, दूसरा उनका था। तो ये जो खटपट थी ये शुरुआत से सरकार के गठन से लेकर हम स्पष्ट तौर पर ये दो लाइनें देख रहे थे। लेकिन अब अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो भाजपा के पास दो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर हम इमेजिनरी नंबर लेकर चलते हैं, अगर मान लो 10 लोगों ने 11 विधायकों ने 10 विधायकों